अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से निकल के आ रही है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर इस टाइम पर चेकिंग चल रहा है और ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो लोग काम धंधा करते हैं। अभी एक बंदे को पकड़ा गया मुबारक अल कबीर एरिया में, कुछ को पकड़ा गया जलेब के अंदर, कुछ को महबूला के अंदर, मतलब अलग अलग जगहों पर बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। एक बंदा पकड़ा गया जो क्या शराब का कारोबार कर रहा था, गाड़ी में उसने शराब रखी थी और उसने जो है पूरे तरीके से सेल का काम कर रहा था, लोगों में बेच रहा था। कोई भी किसी भी तरीके का जो है उसको डर खौफ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको शक हुआ किसी भी तरीके से पुलिस वालों को उस पर, तो तुरंत उसकी जब पूछताछ वगैरह करी तो वो पुलिस को देख कर भाग गया। अब उसकी गाड़ी को देख कर उस नंबर वगैरह निकाला और उसके ऊपर केस वगैरह दर्ज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको कुछ इस तरीके का सामना करना पड़ जाए। तो गलत एक्टिविटी, गलत चीज़ें बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको हो सकता है परेशानी हो जाए। तो अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, तो इन चीज़ों पर खास करके आपने ध्यान देना है और गलत एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो कुवैत में क्या है, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या बिना सिविल आईडी कार्ड के घूमते हैं। हालांकि वो लीगल होते हैं लेकिन बिना सिविल आईडी कार्ड के ऐसे घूमते हैं, क्योंकि वो जो सिविल आईडी कार्ड बनवाते हैं उनका जो सिविल आईडी कार्ड अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे लोगों को भी सख्ती की जा रही है। तो आप अपना सिविल आईडी कार्ड अपने साथ में रखें, या फिर आपको नहीं मिला है तो कुछ ना कुछ प्रूफ आप अपने साथ में रख सकते हैं, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ फिर आपको परेशानी हो जाएगी। कुवैत में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो वीज़ा सही तरीके से सही एजेंसियों से आप अपना अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियाँ ऐसी हैं जो कि फर्जी बाड़े से काम करती हैं, फर्जी आपके साथ कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी खास करके आपको ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।